यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम किसे कहते हैं, विराम का अर्थ क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विराम क्या है। तो विराम किसे कहते हैं, रुकना या ठहराव। विराम को हम रुकना या ठहराव कहते हैं। किसी भी भाषा को बोलते समय बीच बीच में या अंत में हम कुछ क्षणों के लिए इस विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, विराम का अर्थ क्या है, रुकना या ठहराव, वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आजकल हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखे गए विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो देखिए, अल्प विराम, जिसे इस तरह से एक कामा से, इसको इंग्लिश में कामा कहते हैं। इसके बाद है अर्ध विराम देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। पूर्ण विराम देख रहे हैं, एक इस तरह से खड़ी पाई खींच दी गई है, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। योजक, जिसको हाइफन कहते हैं इंग्लिश में। निर्देशक चिन्ह, देख रहे हैं इस तरह से एक पाई खींची गई है, इसको डैश कहते हैं। विवरण चिन्ह, देख रहे हैं इस तरह से करके इसके आगे, इसको कॉलन या डैश कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। विस्मय बोधक चिन्ह, देख रहे हैं इस तरह से, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। उद्धरण या बोधक चिन्ह, इस तरह से बोधक चिन्ह। इसके बाद देखिए, कोष्टक देख रहे हैं इस तरह से, कोष्टक में देख रहे हैं चार प्रकार के कोष्टक हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, पाई कोष्टक, इसको ब्रैकेट कहते हैं। लोप चिन्ह को इस तरह से क्रॉस क्रॉस या डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसको कहते हैं इनकम्प्लीमेशन। संक्षेप चिन्ह अब्रीविएशन मार्क। समता सूचक इज इक्वल टू कहा जाता है इसको। परिणय सूचक चिन्ह, इसको देख रहे हैं ग्रेटर देन करके। हंस पद चिन्ह, जिसे कैरेट, रेखांकित चिन्ह, अंडरलाइन। इस चिन्ह रेफरेंस, पुनरुक्ति चिन्ह देख रहे हैं इस तरह से, जिसको डीटो कहा जाता है। टिप्पणी सूचक चिन्ह, इस तरह से देख रहे हैं स्टार बना है, इसको हम नोट या अट्रैक्ट साइन कहते हैं। इसके बाद होता है समाप्ति सूचक चिन्ह, जिसको हम इस तरह से पाई या इस तरह से लिख करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए, सबकी परिभाषा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, अल्प विराम जिसे कामा कहा जाता है, पढ़ते या लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर थोड़ा रुकना होता है, वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सीत्या, गीत्या, रीत्या, सुनीत्या आदि। इसके बाद दूसरे नंबर पर अर्धविराम जिसको सेमी कॉलन कहते हैं, सेमी कॉलन, जहाँ पर अल्प विराम से कुछ ज़्यादा समय रुकना होगा तो वहाँ पर हम सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम पूर्ण विराम जहाँ पर हम एक वाक्य को पूरा कर लेते हैं तब वहाँ पर हम रुकते हैं, तो उसको कहा जाता है पूर्ण। राम किताब पढ़ता है, ये एक वाक्य पूरा हो गया, इसके बाद हम दूसरा वाक्य बोलेंगे, थोड़ा रुक करके आगे बोलेंगे या लिखेंगे। योजक, जिसको हाइफन कहते हैं, वह चिन्ह जो दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, सीताराम, मोहन, सोहन आदि, इस तरह से इसको हम कहते हैं योजक। पांचवें नंबर पर निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं,
यह योजक चिन्ह से थोड़ा आकार में बड़ा होता है और जैसे मैंने कहा रुको। विवरण चिन्ह जिसे कालन एंड डैश कहते हैं, कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे वचन दो होते हैं तो देखिए इस तरह से आप लगा देंगे, इसके बाद लिख देंगे एक वचन बहुवचन। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक शब्द जहाँ कहाँ लगाना है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं और इस चिन्ह को हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया तुम कौन हो, अब यहाँ हम पूर्ण विराम न लगा करके यहाँ पर हम लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे वह क्या है, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। विस्मय बोधक चिन्ह क्या है, जिसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे आश्चर्य हर्ष शोक दुख घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विस्मय वाचक चिन्ह, या इसे हम विस्मयाद बोधक चिन्ह कहते हैं। यह जैसे अगर कहा जाए कि हे भगवान, देखिए हे भगवान, छी, हुर्रा आदि ऐसे शब्द जब आते हैं तो यहाँ पर इस तरह का विस्मय बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं चिन्ह। इसको हम कहते हैं उद्धरण बोधक चिन्ह। उद्धरण बोधक चिन्ह इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। जैसे तो जब किसी की उक्ति को कहते हैं किसी की कही हुई बात, जब किसी की कही हुई बात को ज्यों कहते हैं उनके ही शब्दों में कहा जाता है तो हम उसको उद्धरण माने उसको इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं। देखिए इन्वर्टेड कामा इस तरह से लगा जाता है, एक तरफ इस तरह से और एक तरफ इस तरह से लगा जाता है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए ये अगर देखें तो 66 की तरह है और ये 99 की तरह है। तो सबसे आपको पहले 66 लिखना है फिर 99 लिखना है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हरिवंश राय बच्चन की कविता, हरिवंश राय बच्चन की कविता अगर जैसे लिखना है आ रवि की सवारी, देख रहे हैं आ रवि की सवारी, तो वहाँ पर देख रहे हैं ये कविता का नाम है, इसलिए इसको आपने इन्वर्टेड कामा में कर दिया। इसमें क्या है सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है कोष्टक। देखिए कोष्टक 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 चिन्ह देख रहे हैं, कोष्टक चिन्ह है चार प्रकार के हैं। कट का प्रयोग हम किसी को किसी भी प्रयोग इसका प्रयोग हम जहाँ करते हैं, जैसे किसी शब्द का अर्थ लिखना हुआ या किसी के बारे में उसका कुछ दूसरा उपनाम या कुछ इस तरह का हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे क्षमा, अब क्षमा क्षमा अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो हम कोष्टक में इसको लिख दिए दीपक, तो क्षमा का मतलब हो गया दीपक। इसी तरह से जैसे रामधारी सिंह, देखिए रामधारी सिंह अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख दिए कि दिनकर, तो अगर दिनकर लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाएंगे रामधारी सिंह इनका नाम है। जैसे अगर लिख दिया गया कोई नाम है प्रदीप और इनको सब मोटू के नाम से जानते हैं, तो अगर आप यहाँ पर मोटू लिख देंगे तो उस आदमी का परिचय अच्छे तरह से हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रदीप को नहीं जान रहा है लेकिन जब आप उसे मोटू कह देंगे तो वह जान जाएगा कि हाँ मोटू कौन है। इसके बाद आता है लोप चिन्ह, जिसको कहते हैं इनकम्प्लीशन। इनकम्प्लीशन जैसे समय या स्थान के अभाव में, जब समय कम हो या स्थान कम हो तो इसके अभाव में हम जब पूरा उद्धरण न दे करके उसका कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तो उस छोड़े गए अंश के स्थान पर हम इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं या इस तरह से डॉट डॉट बना देते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे यह होता है कि इसके आगे कुछ अधूरा है और वो अधूरा इस तरह का है, भाव के अनुसार आप उसको पढ़ सकते हैं बता सकते हैं। तो इस जैसे लिखा गया है कि राखी मुख पर घूंघट डाले, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लग गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि बीच में खाली जगह है, चुपके से
तुम आए, तो बीच में स्थान खाली है। इसी तरह से अब हम आगे देखें संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह किसको कहते हैं? किसी भी शब्द को जब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसको कहते हैं संक्षेप चिन्ह। इसका प्रयोग करने के लिए हम इस तरह का देख रहे हैं, इसे जीरो की तरह बना देते हैं उसके आगे। जैसे लिखा गया प्रोफेसर, तो प्रो इसका हम पहला अक्षर लिख करके आगे इस तरह से जीरो लगा देंगे। जैसे डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर हम डा लिख करके इस तरह। जैसे उत्तर प्रदेश लिखना है तो उ लिख देंगे और प्र लिख देंगे, देख रहे हैं जीरो लगा देंगे। स्मॉलर दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे किसी वर्ण अक्षर विकास की दशा का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पहले यह शब्द नाच नाच शब्द कहा गया, लेकिन बाद में इसका विकास हो गया, नच हो गया, और नच से अब इसका शुद्ध रूप बन गया नृत्य। इसी तरह से इस शब्द का देखिए विकास होकर के नृत्य हो गया, नाच का नृत्य हो गया, इसलिए इसको इस चिन्ह से दिखाते हैं। समता सूचक चिन्ह जिसको हम बराबरी कहते हैं, इज इक्वल टू, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से प्रकट की जाती है तो इस चिन्ह को हम समता सूचक चिन्ह कहते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पाँच का स्क्वायर है, पाँच घाते दो है, तो हम इसको पाँच गुणे पाँच, या इसको हम बराबर 25 लिखेंगे, या हम 2500 है 100/4 लिख देंगे, 25 के बराबर हो जाए। देखिए हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह क्या है? जिसको कैरेट कहते हैं, इसको लिखते समय इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे देखिए जब आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, अगर आपका कोई शब्द या कोई अक्षर जब उसमें आप छूट जाता है, कोई भी शब्द लिखते समय या कोई भी अक्षर जब छूट जाता है तो आप क्या करते हैं, आप वाक्य में इस चिन्ह का हंस पद का चिन्ह लगा करके छूटे हुए शब्द या अक्षर को लिख देते हैं। जैसे कोई भी अक्षर छूट गया है तो आप उसको उसके स्थान पर लिख देंगे और वहाँ पर हंस पद चिन्ह लगा देंगे। तो जैसे लिखा गया है कि प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे। देखिए बीच में महान छूट गया था, तो इस तरह से हंस पद चिन्ह लगा करके लिख दिया गया महान उपन्यासकार। जैसे वचन प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर तीन छूट गया था, तो इस तरह से हंस पद लगा करके तीन लिख दिया गया है। रेखांकन चिन्ह जिसको अंडरलाइन कहते हैं, इस तरह से देख रहे हैं लाइन खींचा गया है, तो इसको कहते हैं रेखांकन चिन्ह। तो रेखांकन चिन्ह वाक्य के किसी विशेष अंश या शब्द पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए रेखांकन का प्रयोग किया जाता है, अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। जब उसको अंडरलाइन किया जाता है तो उस पर ध्यान आकृष्ट हो जाता है, और या उसको आप कलर भी कर सकते हैं, कलर करें या तो रेखांकित करें, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जैसे लिखा गया कि राजा दशरथ की देखिए तीन रानियाँ थी, तो देखिए तीन को इस तरह से अंडरलाइन कर दिया गया। आप इसको इस तरह से किसी से थोड़ा ऐसा कलर करेंगे ये दिखता रहे, वाटर कलर का मारेंगे। निर्देश चिन्ह का अर्थ है कि रेफरेंस साइन, शोधन या प्रूफ रीडिंग में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सीता है सुंदर लड़की, इसी तरह से सीता है सुंदर लड़की, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसको कहा है रेफरेंस। पुनरोक्ति चिन्ह, तो पुनरोक्ति चिन्ह देख रहे हैं इस तरह से डैश डैश लगा है दो कामा के साथ, इसको डीटो कहा जाता है। जब ऊपर की लिखी हुई बात को जो कहते हैं नीचे लिखना होता है या दोहराना होता है, तो हम उसको लिख कर के न लिखते नहीं, बल्कि उसके स्थान पर हम इस तरह से डैश डैश लगा देते हैं। जैसे एक आम का मूल्य 5 रुपया है तो 10 आम का मूल्य 50 रुपया, तो देखिए हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, उसके आगे डैश लगा दिया, आगे 50 लिख दिया। टिप्पणी सूचक चिन्ह देख रहे हैं इस तरह से स्टार लगा है, इसको नोट भी कहा जाता है। तो ऐसे इसको क्या करते हैं, आज को लिखते समय किसी भाव या ग्रंथ पर टिप्पणी करनी हो तो उस विचार को उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे
रामचरित मानस, जैसे रामचरित मानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अब अगर रामचरित मानस के बारे में हमने उसमें नाटक पुस्तक आदि की समाप्ति पर अंतिम पंक्ति पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहीं कहीं पर बिखर गई वह चित्र विजय माता सी, देखिए बीच में इसके बाद क्रास क्रास लगा पथ के साथी, इस तरह से ये कविता पूरी हो गई। जब कविता पूरी हो गई देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें आप इस तरह से चाहे ऐसा निशान बना दें या तो आप ऐसा निशान बना दें या ऐसा बना दें तो ये हो गया समाप्ति। इसमें से किसी एक को बना देंगे तो इसे समाप्ति हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।